Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक तरफ जहां कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर संजीदा नहीं है, वो शायद किसी बहुत बड़े तांत्रिक के प्रभाव में है और वो समझते हैं कि तांत्रिक क्रिया से कोरोना भाग जाएगा, इसलिए वो पूरे देश की जनता को प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह खेल खिलौने में लगाकर उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। सांसद ने कहा कि सच्चाई नहीं बताई जा रही है और प्रधानमंत्री को लगता है कि थाली बजाने और टॉर्च खाने से शायद कोरोना भाग जाएगा। 21वीं सदी में एक प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री को लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के बजाय लोगों से अपने धर्म के मुताबिक इबादत पूजा कर ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहना चाहिए था। एसटी हसन ने तबलीगी जमात के लोगों का बचाव करते हुए कहा कि जमात के लोग बड़े नेक इंसान होते हैं, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके सबूत में सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल क्लिप क्यों सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। हर अस्पताल में सीसीटीवी लगे हुए हैं, ऐसे में जमात वालों पर बदसलूकी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए जाए। सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया कि यह एक फिरके को बदनाम करने की साजिश है, ऐसे समय में यह नहीं होना चाहिए, यह हर हाल में बंद होना चाहिए। हसन ने सवाल खड़ा किया कि जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कोरोना पर सरकार से लॉकडाउन करने के लिए कहा था, तब तो सरकार पार्लियामेंट को चलाती रही और विदेश से लगभग 15 लाख लोगों को हवाई जहाज से देश में आने दिया गया और वहां टेस्ट नहीं किया गया। हसन ने कहा कि हवाई जहाज से आने वालों की वजह से आज देश में रिक्शा चलाने वालों को जीना मुहाल हो गया है, वो गलती किसकी है, उसी समय लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की बात नहीं मानी गई और दिल्ली में 20 मार्च को स्कूल सब बंद कर दिए गए, लेकिन 23 मार्च तक पार्लियामेंट चलती रही, ये सत्ता का दुरुपयोग क्या किया गया है। कोरोना फैलने के बाद भी देश से वेंटिलेटर और मास्क का 10 गुना कीमत पर निर्यात होता रहा, सरकार को हमारी जिंदगी की फिक्र नहीं, पैसा कमाने की फिक्र है, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और सांसद ने क्या को कहा, आइए देखते हैं। क्योंकि एक ट्रेंड सा बन गया है कि जो बात है वो हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर दो और कुछ हमारे माफ करना, बीजेपी के भांड चैनल जो है वो शुरू हो जाते हैं ढोल बजाना, वो असलियतों को देखते नहीं, चंद चैनलों के अलावा असलियत कौन कौन अब अपने टीवी पर प्रसारण कर रहा है। ये मैसेज देना बहुत गलत है, इस मुश्किल वक्त के अंदर भी हम लोग अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। देखिए, जो अपशब्द जो लोग कह रहे हैं ये उनका अपना स्टेटस है, वो इससे ऊपर की सोच रख ही नहीं सकते, वो उनकी सोच इतनी निम्न श्रेणी की है कि इसके अलावा उनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन लोगों को चाहिए कि देश हित में, वैसे तो बहुत ढोंग बचाते हैं देशभक्ति का, इस वक्त देश को इस वक्त तो कम से कम महफूज रखें, अपने बांटने की साजिशों को लगाम दिए रहें, इस बुरे वक्त में तो कम से कम होश में आ जाएं। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज टीवी पे आकर ये बयान दिया है कि लोग 9 तारीख को रात 9 बजे कम से कम 9 मिनट के लिए अंधेरा कर दें और ये दीपक अवश्य जलाएं रोशनी के लिए, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने थाली और ताली बजवा दी, लोग बाहर निकल जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। या तो प्रधानमंत्री जी ये समझते हैं पूरे देशवासियों को जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इनको ध्यान डाइवर्ट करके और अपनी गलतियों को अपनी नाकामियों को छुपा लें, या प्रधानमंत्री जी किसी बहुत बड़े अंधविश्वासी तांत्रिक के शिकंजे में आ गए हैं कि क्या अंधेरा करके और टॉर्च डाल के कोरोना भागेगा? क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोरोना को भगाना चाहते हैं इस तरह से? कोरोना ये समझेगा कि मेरे मानने वाले टॉर्च लेके आ गए? मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें तो प्राइमरी के बच्चों से की जाती है उनको बहलाने के लिए, इस तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती।